1.1। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो, अभी क्लास 11 में पढ़ रहे हैं और क्लास 12 का न्यू बैच चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हमने क्लास 12 के लिए न्यू बैच शुरू कर दिया है। जो भी स्टूडेंट 2021 में एग्जाम देंगे, हमारे द्वारा बनाए गए सभी पार्ट को देख लीजिए। आपको मैथमेटिक्स कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देख करके हमने जितने भी पार्ट बनाए सबको एकदम एक से अभी तक जितने पार्ट बनाए सभी को देख लीजिए। आपका सीरियली तैयारी हो जाएगा, ना ही एक डेफिनेशन छूटेगा और ना ही कोई क्वेश्चन छूटेगा। सभी सवाल का सॉल्यूशन और फुल थ्योरी मिलेगा। चलिए, तो हमने 12 तक जो है क्वेश्चन को सोल्व कर दिया था। अब 13 नंबर का सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है, रसीद कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर बराबर P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। समझ गया ना? P1 और P2 में जो है भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। इस प्रकार से परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है और 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख सकते हो इसमें जो आपको रिलेशन दिया है, तो रिलेशन इस प्रकार से है कि P1, P2। अब देखो, P1 and P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। समझ गया ना? P1 और P2 में क्या है? भुजाओं की संख्या समान है। समान है, ये चीज आपको दिया है। कह रहा है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तुल्यता संबंध होगा। ये जो आपका रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं? वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, उसे हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो बोलो, ये आपको P1 P2 दिया है, मतलब P1 और P2 मतलब दो ऐसे पॉलीगोन को रखना है, समझ गया ना? बहुभुज को रखना है जिसमें भुजाओं की संख्या क्या हो? समान हो। भुजा की संख्या क्या हो? समान हो। समान क्या हो गया? इक्वल लग गया जी। इक्वल क्या होता है? रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए आपको पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा? रिफ्लेक्सिव। पहला हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आप कितने एलिमेंट लेते हो? एक एलिमेंट लेते हैं ना, तो बहुभुज कितने लेंगे? एक। यहाँ बहुभुज नहीं जी, एलिमेंट के रूप में क्या है? बहुभुज। कितने बहुभुज लेंगे? एक। तो उस बहुभुज का नाम क्या है? P1। उस बहुभुज का नाम क्या है? P1। तो क्या बोलो, हम लिख सकते हैं कि P1 और P1 में भुजाओं की संख्या समान है? जी सर। P1 और P1 में भुजाओं की संख्या समान लिख सकते हैं ना? जी सर। तो यही लिखेंगे P1 and P1। देखो यहाँ पर P1 है ना जी? जी सर। ये यहाँ पर P2 है, तो P2 के भी जगह क्या लिखते हैं? P1 ही ना? जी सर। P1 और P1 में भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। समान है। ये इस प्रकार से लिखेंगे ना? देखो, तो ये देखो P1 P2 कब संबंधित होता है? जब उसमें भुजा की संख्या समान होता है। तो ये P1 और P1 में भुजा मतलब, देखो कोई भी बुक रहे या वो भुज रहे, स्वयं से तुलना करेंगे तो क्या होगा? भुजा बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। दो बार नाम लेगा तो भुजा बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। नहीं देगा। इसलिए P1 किससे रिलेटेड हो गया? P1 रिलेटेड P1 से। समझ गया ना? जी सर। इम्प्लाय P1 बिलोंग्स टू क्या हो गया? आर। सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
रिलेशन, ये आपको कौन रिलेशन हो गया रिफ्लेक्सिव। आप दूसरा क्या चेक करोगे बोलो? सिमेट्रिक। दूसरा सिमेट्रिक चेक करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में आप कितना एलिमेंट, दो एलिमेंट लेते हैं। अगर बहुभुज लेते हैं तो कितने हम बहुभुज लेंगे? दो बहुभुज लेंगे। देखो पी वन पी टू, मान लिए पी वन और पी टू क्या है? दो बहुभुज है, समझ गया ना? पी वन पी टू क्या है? दो बहुभुज है। देखो सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या होता है कि ए रिलेटेड बी, ए रिलेटेड बी। यहाँ पर ए क्या है? पी वन, पी वन। बी क्या है? पी टू है ना? तो ए रिलेटेड बी हुआ कि हुआ? यानी पी वन रिलेटेड क्या हो गया? पी टू हुआ ना? आप ऐसे इम्प्लाइज कर दिए, नहीं कर दिए तो क्या लिखोगे बोलो? पी वन पी टू रिलेटेड हो तो हम क्या लिखते हैं? पी वन और पी टू में भुजाओं की संख्या समान है। देखो पी वन पी टू रिलेटेड है तो क्या लिखते हैं? प्योर रिलेटेड है, क्योंकि उसमें भुजा की संख्या समान है। समझ गया ना? मान के चलो कि कोई व्यक्ति संबंधित है तो कुछ ना कुछ संबंध होता है ना? वो मुझसे रिलेटेड क्यों रिलेटेड है? मेरा भाई हो सकता है या दोस्त हो सकता है, जो रिलेशन हो। पी वन पी टू एक साथ है, क्यों है? इसलिए क्योंकि भुजा की संख्या उसमें क्या है? समान है। समझ गया ना? तो पी वन पी टू से रिलेटेड है तो क्यों रिलेटेड है? क्योंकि भुजा की संख्या समान है। रिलेशन के लिए कुछ आधार होना चाहिए ना? जी सर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? पी वन पी वन, देखो पी वन बराबर हम पी टू लिख देते हैं। जी सर। समझ गया ना? जी। अगर नहीं लिखना चाहोगे ये तो आप ये भाषा को तो हर जगह उतारो, समझ गया ना? ये भाषा को चलो उसी उसी भाषा की तरह हम लिख देते हैं। पी वन एंड पी टू, पी टू सेम नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड। क्या बोलो? हम लिख सकते हैं कि पी टू पी वन में भुजाओं की संख्या समान है। जी सर। उल्टा लिख सकते हैं, क्योंकि उल्टाने के बाद भुजा बदलेगा। देखो पी वन पी टू में अगर पांच भुजा है तो पी टू पी वन में क्या को भुजा आए थे? कि दस को भाई थे? नहीं। उल्टा के बोला कि पुलटा के बोला? जी। भुजा बदलता है? नहीं। तो वही चीज न है, ऐसे ऐसे मार दीजिए। ये भाषा को आप कितना में लिखेंगे? ये हो गया ना? तो देखिए अब तो ये रिलेशन यही कहता है कि ए बी से संबंधित हो तो बी किससे संबंधित होना चाहिए? यदि पी वन पी टू संबंधित है तो पी टू किससे संबंधित होना चाहिए? तो वह रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन। तो पी टू जो है पी वन से संबंधित है ना? तो सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर क्या लिखोगे? पी टू रिलेटेड पी वन, रिलेटेड पी वन। आप लिखो ये यहाँ पर क्या लिखोगे? आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर कौन रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन है। उसके बाद देखो तीसरा क्या एकदम सिद्ध करोगे? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तीसरा रिलेशन क्या लिखोगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें कितने? तीन, तीन पॉलीगोन लोगे। पी वन पी वन पी टू पी थ्री रिलेटेड। देखो ए रिलेटेड क्या होता है? बी। डेफिनेशन से ए रिलेटेड क्या होता है? बी। यानी पी वन रिलेटेड क्या होगा? पी टू, पी टू। और पी टू रिलेटेड क्या होगा? पी थ्री। अब तुमको क्या दिखाना है? पी वन रिलेटेड पी थ्री, ए रिलेटेड सी दिखाना। ए रिलेटेड सी होता है ना? जी। पी वन देखो ए वन से संबंधित हो, बी सी से संबंधित हो, ए से संबंधित हो। ए यहाँ पर क्या हो गया? पी वन, पी वन क्या हो गया? पी थ्री। अब दिखाएगा ना? जी सर। पी वन और पी थ्री आपस में क्या है? संबंधित है। क्या है? संबंधित है। तो देखो पी वन रिलेटेड पी टू इसका अर्थ क्या हो गया? पी वन रिलेटेड पी टू इसका अर्थ क्या हो गया बोलो? तो नहीं दिख रहा है। पी वन पी टू रिलेटेड है तो इसका अर्थ क्या हो गया? पी वन भुजा समान है, संख्या समान है। क्या हो गया? संख्या समान, यानी पी वन बराबर पी टू इक्वल क्या रहेगा? साइड है ना जी? जी सर। ये बराबर क्यों है? भुजा की संख्या के अनुसार है ना जी? जी पी वन और पी टू में क्या है? भुजा की संख्या बराबर बराबर है। देखो ये हम जो लिखे है ना, ये जरूरी नहीं है कि ये लिखो, हम कितना भाषा लंबा चौड़ा लिखे जी, उसको हम सॉल्व करने के लिए ऐसा करके लिखे हैं कि पी वन और पी टू बराबर है। क्यों? क्योंकि भुजा की संख्या बराबर, भुजाओं की संख्या क्या है? बराबर है, समान। नहीं तो आप लिखना चाहोगे तो पी वन और पी टू
हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब पी वन और पी टू में भुजाओं की संख्या क्या है समान है। अगर लिखना चाहो तो समझ गया ना, ये भाषा भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो देखो कितना लंबा हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पर दे दो, ये देखो ये क्या है एंड है ना, ये क्या है एंड, यहाँ पर एंड देगा ना, यहाँ पर पी टू और रिलेटेड पी थ्री है तो इसका अर्थ क्या हो गया P2 बराबर P3 है तो इसका अर्थ क्या हो गया कि P2 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है। यहाँ पर दोगे P2 बराबर P3 क्यों, क्योंकि इसमें भुजाओं की संख्या क्या है समान है। इक्वल नंबर ऑफ साइड, साइड। अब इसलिए हम लिख सकते हैं कि P1 बराबर P3, देखो P1 P2 में 5 भुजा है, P2 P3 में क्या है 5 भुजा है, क्या P1 P3 में हम बोल सकते हैं 5 भुजा है? जी सर, बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, तो यही चीज हुआ, तो P1 P3 रिलेटेड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल क्यों ये बराबर है, क्योंकि इसमें भुजा की संख्या क्या है समान है, इक्वल नंबर ऑफ साइड। तो बोलो P1 किससे रिलेटेड हो गया, P3 से, आर कौन रिलेशन हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन तो हो गया। तो ये देखो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गया, तो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिक हो ट्रांजिटिव हो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो हेंस R is an equivalence relation। R क्या है, equivalence relation है, relation है। इसी में second part है, समझ गया ना, इसी में एक second part भी है इसका। देखो ये second part क्या हो गया, मतलब दो सवाल है एक ही सवाल में, समझ गया ना। तो second part है, करो second part को, कह रहा है कि 3, 4, 5 समझ गया ना, लंबाई यहाँ पर कह रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित A के सभी अवयवों का समुच्च ज्ञात कीजिए, A के सभी अवयवों का क्या ज्ञात कीजिए, समुच्च ज्ञात कीजिए, समझ गया ना। तो 3, 4, 5 है तो समझ सकते हो कि ऑलरेडी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है ना, लिख भी दिया है। तो देखो ये जो है 3, 4, 5 भुजा वाले एक क्या है, त्रिभुज है ना, जी सर। तो समझ गए हैं, मतलब इस त्रिभुज मतलब तीन भुजा वाले त्रिभुज से संबंधित वह बहुभुज क्या होगा, संबंधित होगा, वह बहुभुज क्या होगा संबंधित होगा, संबंधित होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि भुजाओं की संख्या समान है जी, भुजा की संख्या क्या है समान है, तो इसलिए यहाँ पर तीन भुजा है, कितने भुजा है 3 भुजा। तो जितने भी बहुभुज होंगे, जितने भी क्या होंगे बहुभुज होंगे, उसमें अगर भुजाओं की संख्या क्या रहेगा 3 रहेगा, तो आपस में क्या होंगे समान होंगे जी, जी सर। यहाँ पर लिख देना है कि 3, 4, 5 समझ गया ना, भुजा वाले त्रिभुज से वो बहुभुज संबंधित होंगे जिसमें भुजाओं की संख्या 3 होगी। बस सेकंड पार्ट में यही लिखना है। 10 नंबर 14 इसमें क्या है, सवाल करो, सवाल है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समूह एल है, एल में आर बराबर L1 L2 और L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध आर है, तो सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है, रेखा वाई बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समूह ज्ञात कीजिए, समस्त रेखाओं का क्या ज्ञात कीजिए समूह ज्ञात कीजिए। तो चलो यहाँ पर जो आपको रिलेशन दिया है, रिलेशन इस प्रकार से है
यदि दो रेखा हो उनको हम एक साथ रखेंगे, दो रेखा को हम क्या करेंगे, जैसे L1 और L2 दो रेखा है ना, इनको हम एक साथ रखेंगे, इनको हम क्या करेंगे एक साथ कब रखेंगे, जब वो दोनों क्या हो आपस में समांतर, समांतर वो दोनों आपस में क्या हो समांतर, समांतर हो तो L1 ये पैरेलल क्या होगा L2, उसी रेखा को साथ में रखेंगे। मतलब रेखा तो हम अनेक ले सकते हैं ना, ले सकते हैं जी, तो किसको हम साथ रखेंगे जो समांतर होगा, जो आपस में क्या होगा समांतर होगा, उसी दो रेखा को क्या करना है साथ लेके पेयर बनाना है, समझ गया ना। तो आप देखो इसमें भी वही बात है कि तीनों रिलेशन चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन, तीनों इसमें चेक करना है। और ये भी कह रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन, जैसे बोल दिया इक्विवेलेंस रिलेशन तो समझ जाओ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप कितने रेखा लेंगे, एक। रिफ्लेक्सिव के लिए कितने रेखा, एक एक लेंगे जी, जी सर। तो मान लेते हैं कि L1 क्या है, L2, L1 L जो है कोई सेट है, L क्या है सेट है, मतलब रेखाओं का समूह, सदस्य, समझ गया ना। L क्या है, समस्त रेखाओं का समूह है जी, L में L1 भी होगा, L2 भी होगा, L3 डॉट डॉट, समझ गया ना, अनंत मतलब N तक होगा ना, कितने होगा। तो मान लेते हैं कि L1 जो है L का क्या है सदस्य है उस समूह में। तो देखो L1 पैरेलल L1 होगा कि नहीं होगा, प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है ना, प्रत्येक रेखा क्या होता है बराबर होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखो ये रिलेशन हो गया ना, ये पैरेलल क्या है रिलेशन है, रिलेशन। तो यहाँ L1 रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे L1, स्वयं से तब न संबंधित होगा जी, L2 रख दिए तो स्वयं संबंधित होगा, अगर यहाँ L1 है तो यहाँ पर भी क्या होगा L1 होगा, होगा तब न स्वयं से संबंधित, स्वयं रहेगा तब न स्वयं से संबंधित, अगर L2 है तो स्वयं संबंधित होगा, यहाँ पर L1 रखा तो यहाँ पर भी क्या रखना होगा L1। तो बोलो ये विरोध भी कर रहा है, रिलेशन का विरोध भी कर रहा है, स्वयं को रख दिए तो नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, समझ गया ना। इसलिए L1 समांतर क्या हो गया, L1 हुआ ना, इसलिए L1 जो है L1 से रिलेटेड हुआ कि नहीं हुआ, L1 और L1 किस में हो सकता है R में, रिलेशन R में होगा ना, R क्या हो गया आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R क्या हो गया आपको रिफ्लेक्सिव, समझ गया ना, R आपको हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो हम आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन में, तो सिमेट्रिक रिलेशन में कितने रेखा लेंगे आप, दो, L1, L2 दो लेंगे ना, दो लेंगे। अब देखो कुछ भी नहीं सोचना है, L1 और L2 दो रेखा ले लिए, ये किस में होगा, L1 L से लिए हैं, L1 और L2 किस से लिए हैं, L से क्यों लिए हैं, क्योंकि L जो है समस्त रेखाओं का समुच्चय है, L क्या है समस्त रेखा का समुच्चय है, इसलिए L1 L2 उसी में से आएगा जी जी सर। अब देखो अब करना क्या है, परिभाषा क्या होता है, A रिलेटेड B, अब परिभाषा पर गौर करो, A रिलेटेड B यानी ये क्या हो गया आपका L1, ये क्या हो गया L1, और रिलेटेड क्या होगा L2, L2 होगा ना, L2। ये रिलेटेड क्यों है L2, क्योंकि ये समांतर है, L1 L2 से संबंधित क्यों है, क्योंकि ये समांतर है, समांतर है। अब मान के चलो कि दो को व्यक्ति एक साथ रह रहा है, दो को व्यक्ति एक साथ रह रहा है, क्यों रह रहा है, कुछ तो संबंध होगा, या तो भाई होगा या तो बाप बेटा होगा ना, होगा जी, जी सर, कुछ तो संबंध होगा ना, होगा जी, होगा दोस्त, संबंधित होता है तब ना एक साथ रहता है जी सर। अगर मान के चलो कि दो लड़के साथ ही रह रहे हैं, इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ संबंध है, या तो दोस्त होगा जी, तब ना साथ में रह रहा है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर परिभाषा से आ गया कि L1 L2 के समांतर है, परिभाषा से क्या आ गया L1 L2 के समांतर है, क्यों समांतर है, ये L1 L2 से क्या है संबंधित है, L1 L2 से क्या है संबंधित है, क्यों संबंधित है, क्योंकि समांतर है, समांतर है, क्यों संबंधित है, क्योंकि संबंध में देखा कि संबंध यहाँ पर क्या हो गया समांतर, मैथमेटिक्स के नहीं लिखा है रिलेशन पैरेलल परपेंडिकुलर, यहाँ पर रिलेशन क्या हो गया पैरेलल है समांतर। तो इसलिए देखो L1 रिलेटेड क्या हो गया L2, तो ये जो रिलेशन है ये क्या है समांतर न है, रिलेशन क्या है आप समांतर, इसलिए R की जगह क्या रखोगे L1 समांतर, R की जगह क्या रखोगे समांतर।
आप देखो क्या L2 समांतर L1 हम बोल सकते हैं? बोल सकते हैं जी सर। बोल सकते हैं। गलत भी होगा ना सर, क्योंकि समांतर है, उल्टा नहीं कर सकते लिख सकते हैं। उल्टा सीधा दोनों। तो देखो समान नहीं होगा, समांतर जी सर। समान जरूरी नहीं है कि समान होगा ये दोनों रेखा, मतलब उनके बीच का दूरी समान होगा, समझ गया ना? तो अभी भी एक दूसरे को रेखा नहीं काटे। तो ये L2 किससे रिलेटेड हो गया? L1 से। तो यही ना, ये अगर B से संबंधित हो तो B किससे संबंधित होना चाहिए? L1। ये आपका L1, B क्या हो गया? L2। अब B आपका L2, L1 क्या हो गया? ये नहीं हो गया। देखो ए बी से संबंधित है तो बी ए से संबंधित हो गया ना, और आपका क्या हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन। आपके ट्रांजिटिव में कितने लोग हैं? तीन एलिमेंट, एल वन, एल टू, एल थ्री लिया। ये किसका सदस्य है बोलो? एल का सदस्य। किसका सदस्य है? एल का सदस्य। ये L का सदस्य हो गया। तो आप परिभाषा क्या कहता है? A रिलेटेड B, यानी L1 रिलेटेड क्या होगा? L2। फिर क्या कहता है? B रिलेटेड C, B रिलेटेड L2 रिलेटेड L3। आप L1 L2 क्यों संबंधित है बोलो? क्योंकि L का सदस्य है, समांतर है। जी सर, समांतर। R यार मतलब रिलेशन, रिलेशन क्या है? समांतर नहीं जी, समांतर। R जगह क्या रखोगे? समांतर, समांतर। R की जगह क्या रखा जाएगा? समांतर। ये क्या है? AND। आप चाहो तो ऐसे AND AND लिखो, नहीं तो ये मैथमेटिकल सिंबल है। L2 L3 संबंधित क्यों है? क्योंकि समांतर है। तो क्या लिखोगे? L2 समांतर क्या लिखोगे? L3 हो गया ना। L1 L2 के समांतर, L2 L3 के समांतर। तो क्या L1 L3 के समांतर हो सकता है? होगा ही ना, फाइनली होगा ही, कहने वाली बात है। तो L1 L2 के समांतर छे, यहाँ ने L2 इसे हो, ई अकर समांतर छे, तो ई बोला अकर समांतर है कि नहीं? कई अर्थ भाग ए से तीन को रेखा है, L1 हो गया, ई क्या हो गया? L2 क्या हो गया? L3। L1 L2 के समांतर है, L2 किसके समांतर है? L3 के। अब L1 L3 के समांतर देखो कितने है? जी सर। सर तीन को रेखा वाला क्या कहें? ये भी समांतरण है, इसको क्या नहीं करेगा? सर तीन को मतलब अथी में दिया, केमिस्ट्री में लिखा हुआ था तीन को, खुद केमिस्ट्री के लिए है। नहीं सर पता, तीन को रेखा देता है ना, बॉन्ड में तो बॉन्ड में चला गया। अच्छा वो बॉन्ड में चला गया, नीचे को चले गया है। देखो ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड वाला। चलिए तो यहाँ पर आपको L1 समांतर क्या हो गया? L2। L2 समांतर क्या हो गया? L3। इसलिए L1, उसके बाद देखो ये L3 है ना, संबंधित होगा कि नहीं होगा? जी सर संबंधित। L1 ये होगा, होगा ना L1 L3 संबंधित। क्यों संबंधित होगा? क्योंकि समांतर। तो हम लिख सकते हैं ना L1 समांतर L3 जी, नहीं लिख सकते हैं? जी सर। L1 क्या हो गया? L3 के समांतर है, समांतर हो गया। आप देखिए ये तो लिख ही चुके हैं, तो आप देखो समांतर ये यहाँ पर लिखे ना, ये समांतर, ये समांतर क्या है बोलो? समांतर क्या है? रिलेशन। रिलेशन समांतर क्या है? रिलेशन बोलो। इसकी जगह हम क्या देंगे? रिलेशन। रिलेशन यहाँ पर हम क्या दे देंगे? आर। आर। तो देखो ये बी से संबंधित, बी सी से संबंधित, तो ए सी से संबंधित हो गया ना जी। यही ना लाना था, ये आपका एल एच एस पार्ट, एल एच एस से क्या पुराया? आर एच एस। ये रिलेटेड सी, समझ गया ना? ये समझने के लिए एल एच एस आर एच एस इसमें नहीं होता है। आप देखो ये तीनों रिलेशन हो गया ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये कौन रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस। आप देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है कि वाई बराबर टू एक्स प्लस फोर, ठीक है ना? सेकंड पार्ट है वाई बराबर टू एक्स प्लस फोर, वाई का मान है टू एक्स प्लस फोर के बराबर है। तो इसके समांतर एक रेखा, एक समीकरण आपको बताना है। इसके समांतर ये समीकरण बनाना है, बताना है। तो बोलो आप इसका जो फॉर्म होता है, इस समीकरण का फॉर्म क्या होता है? वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। वाई बराबर क्या होता है? एम एक्स प्लस सी। फॉर्मूले होता है, वाई बराबर क्या होता है? एम एक्स प्लस सी। तुलना करो तो एम का मान क्या है? दो। एम का मान दो, एम की जगह पर सर भी रख सकते हैं। एम का नहीं, देखो एम स्लोप होता है, एम की जगह एम ए रखेंगे, समझ गया ना? उसका सिंबल होता है स्लोप का, स्लोप को हम किससे सूचित करते हैं? एम से, या टेन थीटा या डी वाई बाई डी एक्स।
बीस और लिख लेंगे तो गलती नहीं होगा। देखिए लिखा नहीं जाता है, गलती क्यों होगा, लेकिन भारतीय सूत्र है ना दसवां में, तो इसमें सूत्र है ना, मतलब समीकरण अलग हुआ, समझ गया ना, इसमें सोलो पर रखा जाता है। इसमें क्या होता है कि तुम यहाँ पर बी ए रख दिया, रख तो दिया, लेकिन बी भी क्या होगा, स्लोपे होगा, बी भी क्या होगा, स्लोप रखने के लिए कौन रखेगा, रखेगा लेकिन बी भी क्या होगा, स्लोप, क्योंकि हम स्लोप को एम से सूचित करते हैं, तो हम बी क्यों रखेंगे। तो देखो ये आपको दे दिया है ना जी, ये रेखा आपको दे दिया, ये रेखा है, या इसको हम समीकरण भी बोलते हैं, समझ गया ना, ये रेखा दे दिया, इस रेखा के समांतर एक अन्य रेखा खींचना है, समझ गया ना, उसका समीकरण क्या होगा। तो देखो समांतर के आप लोग क्लास टेंथ में क्या पढ़े हो, क्या कंडीशन है, रेखा कब समांतर होती है, जब क्या हो ए वन बटे ए टू, बी वन बटे बी टू, सी वन बटे सी टू, मार वो रे वो संपाती है, दूगो मान मिलाना है चाहिए, एगो मान मिलाना है नहीं है चाहिए। देखिए वाई से तो वाई लिखबे करबी, ये वाई से रे, अगर समांतर अगर हम लिखबे, बोलिए क्या होगा, ये वाई है तो ये क्या होगा, वाई ना होगा, अगर ये टू एक्स है तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, सिर्फ बदलना तुमको किससे है, सी न मिलना चाहिए जी, ए वन ए टू बी वन बी टू तो ही मिलना ही चाहिए, ए वन ए टू बी वन बी टू मिलना ही चाहिए, लेकिन क्या नहीं मिलना चाहिए, सी वन बटे सी टू, तो ये इसका सी का मान नहीं हो गया जी, इसका ये नहीं मिलना चाहिए, तो यहाँ पर क्या रखेगा सी जी, अगर तुम यहाँ पर भी चार रख देता तो रेखा संपाति हो जाता जी, सिर्फ तुमको चेंजिंग क्या करना था, सी को चेंजिंग करना था। मान के चलो कि अब एक और उदाहरण लेते हैं कि समीकरण है कि y बराबर 5x प्लस 4 है, 5x प्लस क्या है 4, इसके समांतर कैसे एकदम एक समीकरण लिख सकते हो बोलो, तो यहाँ 5 है तो आंख मूल करके ये y है तो y लिखी, तो ये 5 है तो यहाँ पर क्या लिख दो, 5 लिखिए दो, यहाँ पर बदल देगा, ये 4 है ना जी, तो क्या लिख सकते हो, सी, या तो सी लिखो, या क्या हम 5 नहीं लिख सकते हैं, सी लिखो लिखो, या 6 लिखो, या क्या लिखो, 10 लिखो, चार को क्या होना चाहिए, चार को छोड़ के आप कुछ भी रख सकते हो, समझ गया ना। अब सी हम क्यों ले लेते हैं, क्योंकि सूत्र में सी आता है, सूत्र में क्या आता है, सी आता है, इसलिए हम सी ले लेते हैं, समझ गया ना, उतारिए, चार एलिमेंट है, तो मान लेते हैं कि लेट ए बराबर, मान लेते हैं उस सेट का नाम क्या ए है, इसमें चार एलिमेंट है, 1 2 3 चार हो गया ना। अब देखिए चार एलिमेंट तो इसमें लिख दिए, और लिखने के बाद देखिए इसका रिलेशन छोड़ दीजिए, फिर भी बनाते हैं, छोड़ दीजिए, नहीं होगा वो अपना देख लेगा, 1 2 1 2 उसके बाद 2 2 1 1 4 4 4 4 1 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2। ये हो गया ना जी। अब देखो इस सेट पर आधारित रिलेशन है जी ना, देखो 1 है तो यहाँ पर क्या है, 1 1 मिल गया, ये 2 है तो यहाँ पर क्या मिल गया, 2 2 ये 3 है तो क्या मिल गया, 3 3 4 है तो क्या मिल गया, 4 4 ये कौन रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया ना जी। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या, जितना सेट रहेगा ना सब सब का सेल्फ रिलेटेड पेयर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेल्फ रिलेटेड पेयर, सेल्फ रिलेटेड पेयर, तो सभी देखो एक का भी मिल गया, एक का भी मिल गया, दो का भी मिल गया, तीन का चार का सब का मिल चुका है जी। ये आपको क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ये आपको क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या देखते हैं, जैसे मान के चलो कि ये 1 2 है, तो अब आपको क्या होना चाहिए, 2 1 2 1 होना चाहिए ना, 1 2 है, देखो 1 और 2 है ना, तो सिमेट्रिक में अगर ए बी से संबंधित हो तो बी ए से, यानी 1 2 है तो 2 1 भी, 2 1 है कहीं पर नहीं, क्या ये सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक आपको नहीं होगा, नहीं होगा। अब देखो इसमें तो ये देखो अब क्या करेगा, ट्रांजिटिव के लिए अब चेक करना है, ट्रांजिटिव ना जी सर, तो किसी पेयर का लास्ट एलिमेंट देखेगा, जैसे इस पेयर से हम शुरुआत करते हैं तो इसका लास्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, और किसी का शुरुआत एलिमेंट, अब इसका लास्ट एलिमेंट 2 है, तो देखो किसका शुरुआत एलिमेंट 2 है,
दो है ना ईद मिल ना गया ईद छट गया क्या हो गया तो बचा क्या एक और एक दो तो मिलता है अब इस पेयर को हम देख लिए अब किस पेयर पर हम आएंगे किस पेयर पर इसका एलिमेंट क्या है दो है ना तो देखो इसका लास्ट एलिमेंट दो है तो देखो किसका शुरुआत का एलिमेंट दो है किसी का नहीं किसी का किसका शुरुआत का एलिमेंट दो है किसी का भी नहीं तब तो इस सेट से जो है इस जो है पेयर से किसी पेयर का कंपेयर होगा ही नहीं होगा नहीं इसको छोड़ देना अगर मिल गया तब कंपेयर करेगा नहीं मिलेगा तो क्या करोगे छोड़ देगा अब हम इसमें आते हैं तो इसका लास्ट एलिमेंट देखो एक है ना किसका शुरुआत का एलिमेंट एक एक तीन का ई एक मिल गया तो बचा क्या एक और तीन बचा ना देखो एक तीन मिल गया एक नहीं मिल गया जी इसका लास्ट एलिमेंट एक है तो इसका भी लास्ट एलिमेंट शुरुआत एलिमेंट नहीं है जी ये इसका लास्ट एलिमेंट इसका भी ना शुरुआत का एलिमेंट मिल गया तो ई एलिमेंट क्या होगा छंट जाएगा तो बचा क्या एक और दो एक दो मिल गया ना अब आएंगे हम इसमें इसका चार है ना जी देखो किसका शुरुआत का एलिमेंट चार किसी का नहीं है इस एलिमेंट इस पेयर से किसी पेयर का तुलना होगा नहीं होगा अब देखो ये अब इसमें आते हैं तीन आ गया ना देखो किसका शुरुआत का एलिमेंट तीन का मिल गया ना ई एलिमेंट क्या होगा छट जाएगा तो बचा क्या एक और तीन एक तीन मिल गया ना फिर ये तीन किससे मिल गया तीन से सर एक तीन कैसे मिल गया एक तीन है वहाँ पर ये जो है ई एलिमेंट मिल गया ना ये छट गया ना जी एक और क्या बचा तीन बचा तीन मिल गया ना एक तीन है एक और तीन को एक तीन मिल गया जी सर वो तो सर कॉमन ले लिए तो उड़ गया ये उड़ ना गया उड़ ना गया एक तीन ने बचा एसी बचा ना एक तीन बचा ना सर एसी है सर फिर बोल रहे हैं एक तीन है कौन चीज इसके दिमाग नहीं घुस रहा है एक तीन है ना जी इसका लास्ट का इसका शुरुआत का मिल गया उड़ गया तो बचा क्या एक और तीन एक तीन ना है उसी में तुम एक और तीन खोजेगा तुम अलग में खोजेगा फिर अब इसका तीन मिला इसका भी क्या मिला तीन मिला ना तो क्या खोजेगा तीन और दो ना तो देखो तो तीन दो तो तीन दो मिलने मिल गया ई एलिमेंट मिल गया तो उड़ गया क्या बचा तीन और दो तीन दो देखो तो तीन दो है क्या है ना मिल गया इसी को हम ट्रांजिटिव बोलते हैं जी सर ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं हुआ जी सर हुआ सिंपल नहीं अभी पत्ती एकदम नहीं है लॉन्ग टर्म समझ गलो किसी जो है पेयर का लास्ट एलिमेंट और किसी पेयर का शुरुआत मिल गया पूरा तो उस एलिमेंट को क्या करते हैं देखो जैसे इसका जो है ये लास्ट एलिमेंट है ना ये शुरुआत ये क्या हो गया लास्ट ये शुरुआत ये क्या हो गया लास्ट देखो इसका लास्ट एलिमेंट इसका क्या हो गया शुरुआत का मिल ना गया तो ई दोनों तीन उड़ गया क्या बचेगा तीन और दो तो देखो तीन और दो है ना किसी को ट्रांजिटिव बोलते हैं ऐसा सभी पेयर के लिए खोजेगा समझ गया ना ट्रांजिटिव लिख दो ये ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव हो गया ना ये VBI क्वेश्चन है VBI से करते जाओ समझ गया ना अच्छा ये रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल हो संक्रामक हो लेकिन सममित नहीं हो ये किस ऑप्शन में है बी में किस ऑप्शन में है बी में इसका सही ऑप्शन क्या होगा बी होगा इसका जो है ये भी VBI है ये क्वेश्चन नंबर 16 समझ गया ना क्वेश्चन नंबर 16 क्या है VBI है अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में है कि R एक रिलेशन है समझ गया ना R क्या है रिलेशन है तो यहाँ पर करे कि मान लीजिए कि समोच्च n में R रिलेशन AB ए बराबर बी माइनस टू जहाँ बी का मान छो से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए द्वारा प्रदत्त संबंध आर है तो निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए तो देखो यहाँ पर जो रिलेशन आपको दिया है यहाँ पर आपको रिलेशन दिया है तो कह रहा है कि इसमें दो एलिमेंट ऐसे एलिमेंट को साथ रखेंगे जिसमें ए का जो मान होगा ए का मान क्या होगा
बी के मान से दो कम होना चाहिए, एक का जो मान होगा वो बी के मान से क्या होना चाहिए, दो कम समझ गया ना। अर्थात मान के चलो कि अगर ए का मान दो रखते हो तो बी का मान क्या होना चाहिए, चार। तब ना बी के मान से दो कम होगा जी, ए का मान दो रखेंगे तो बी का मान क्या होगा, चार नहीं होगा, तब ना दो कम हुआ। अगर ए का मान चार रखते हैं तो बी का मान कितना होगा, छह ना होगा। यानी ये जो है बी से चार कम न, अरे दो कम न है, ये बी से दो क्या है कम है, तो बी ए से क्या होगा दो अधिक न होगा, न होगा। अगर ए का मान दो होता है तो बी का मान क्या होगा, चार। बी अगर ए का मान चार रखेंगे तो बी का मान क्या होगा, छह। अगर ए का मान छह रखेंगे तो बी का मान क्या होगा, आठ। अगर ए का मान मान के चलो आठ रखेंगे तो बी का मान क्या हो जाएगा, इस प्रकार से न होगा। आप देखो एक कंडीशन इसमें लगा दिया है कि बी का मान जो है छह से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जी सर, छह से बड़ा। बी का मान छह के मान से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो मान होगा वो छह से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए जी। तो इस पर आधारित आपको चार ऑप्शन है, तो बोल रहा है कि कौन ऑप्शन सही होगा। ये आपको इस प्रकार से है कि दो चार छह आठ, दो चार आर का सदस्य और आपको जो है तीन आठ जो है सी नंबर, किसका सदस्य है आर का, और डी नंबर जो है छह आठ किसका सदस्य है सी नंबर आर का, और डी में जो है आठ सात किसका सदस्य है, आठ होगा सी होगा। देखो यहाँ पर कह रहा है कि बी का जो मान है, बी का मान छह से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो यहाँ पर बी के स्थान पर क्या है, चार न है, तो छह से छोट न हो गया। जी। तो पहले ही ये ऑप्शन कट गया जी। नहीं कट गया, यह तो होगा ही नहीं, नहीं। क्योंकि बी का मान कह रहे छह से बड़ा है, तो ये क्या होता है बी होता है, तो बी छह से कम न हो गया, चार छह से कम न होता है, तो ऑप्शन कट न गया। फिर देखो ये भी कट गया, तीन आठ है, बी का मान जो कह रहे छह से बड़ा होना चाहिए, बी का मान तो एकदम छोली एकदम छो से एकदम बड़ा है, बड़ा है जी। इस पर इसको अब चेक करना है, क्या करना है, ये डॉट पॉइंट है, इसको चेक करेगा। तो देखो ये बराबर क्या होता है, ये बराबर क्या होता है बी माइनस टू, ए का मान क्या हो गया तीन, ये बराबर दिया बी का मान क्या है आठ माइनस दो। देखो ए बराबर क्या होता है बी माइनस टू, ए का मान क्या हो गया तीन, बी का मान क्या हो गया, तीन का भी छो के बराबर होगा, ई भी ऑप्शन कट गया, सी नंबर नहीं होगा। अब सी में देखो सी होगा, तो ए का मान क्या है छो, बराबर हम क्या ले सकते हैं, छो बराबर छो हुआ, ऑप्शन सी हुआ।